So allotropy is a unique property of elements. Allotropy is unique property of elements. कुछ keywords आपको पहले बता रहा हूं, वो keywords आप पहले समझ लीजिए, फिर definition of allotropy करेंगे, types of allotropy करेंगे, ठीक है? और जिस chapter में हम ये topic पढ़ रहे हैं उसके ऊपर detail में बात करेंगे कि types of allotropes of carbon, crystalline allotropes क्या होते हैं, amorphous allotropes क्या होते हैं, crystalline में diamond पढ़ना है, graphite पढ़ना है, fullerene पढ़ना है, add-on में nanotubes पढ़ना है, graphene पढ़ना है, there are so many other allotropes of carbon. We are also discussing the allotropes of sulfur in this session, allotropes of phosphorus in this session, allotropes of oxygen in this session. दोस्तों ये foundation है और फाउंडेशन के अंदर ये बात क्लियर होना चाहिए कि बेसिक क्लियर हो. सिर्फ हम एक रेस्ट्रिक्टेड वे में पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा. तो आज एलोट्रॉपी सीखेंगे, एलोट्रॉपी के साथ साथ उसके सारे टाइप सीखेंगे, व्हाई इट हैपेंस, हाउ इट हैपेंस, टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप से बात करेंगे, डिटेल में बात शुरू करते हैं. सो कुछ कीवर्ड्स पहले अबाउट द एलोट्रॉपी, ध्यान से सुनना. पॉइंट नंबर वन, द वर्ड एलोट्रॉपी इज केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड. दिस इज केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड. अब ग्रीक वर्ड में एलोट्रॉपी का मतलब क्या था, ध्यान से देखना. एलोट्रॉपी को उन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक था एलोट या एलो और ट्रॉप, ठीक है. सिंपल सा फंडा था, एलो का मतलब था एनादर और ट्रॉप का मतलब था मोड. सो यदि कोई आपसे ये पूछे कि एलोट्रॉपी वर्ड क्यों जनरेट हुआ, एलोट्रॉपी का बेसिक क्या है, तो मेरे 10th क्लास के दोस्तों के लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एलोट्रॉपी मींस समथिंग विच मे ऑकर इन अदर मोड. विच मे ऑकर इन अदर मोड इसका मतलब है, जिस तरह से हम ये देखते हैं कि हम सबके पास विजुअलाइजेशन के लिए 2 eyes हैं, स्मेलिंग के लिए 1 nose है, हियरिंग के लिए, ऑडिबिलिटी के लिए 2 ears हैं, हम सबके पास हैं, बट सबके अपीयरेंस अलग अलग है, ठीक है. सो अनदर मोड ऑफ अपीयरेंस ऑफ एलिमेंट प्लीज. सेकेंड की वर्ड, पहला तो हो गया इट अराइजेस फ्रॉम ग्रीक वर्ड. दूसरा सुनिए, हमेशा एलोट्रॉपी ऑकर एट, अगर आपसे कोई पूछे कि एलोट्रॉपी किस में देखी जाती है, सो एलोट्रॉपी ऑकर्स एट एलिमेंटल लेवल पर एग्जिस्ट करती है विजय एलोट्रॉपी, ठीक है. ये आपको ध्यान होना चाहिए कि एलोट्रॉपी एग्जिस्ट एट एलिमेंटल लेवल. एलिमेंटल लेवल मींस कुछ स्पेशल एलिमेंट्स हैं जो एलोट्रॉपी शो कर सकते हैं. अब वो स्पेशल एलिमेंट्स क्या हैं, ठीक है. वो स्पेशल एलिमेंट्स हैं ग्रुप 13, 14, 15 और 16. अब सर ये ग्रुप कहां से आ गए सर, थोड़ा सा 10th वालों को, जब ये NTSC की एग्जाम आप देने जाएंगे तब तक ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बिकॉज कार्बोनेट्स कंपाउंड के जस्ट वाले टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, वहां ग्रुप और पीरियड पढ़ना है. ग्रुप्स मतलब उस पीरियोडिक टेबल के अंदर वर्टिकल लाइंस, उन पीरियोडिक टेबल्स के अंदर वर्टिकल लाइंस. 13th ग्रुप में कौन कौन होता है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम. इसमें से एलोट्रॉपी कौन कौन दे सकता है, बड़ा फेमस है बोरॉन, ठीक है. बाकी लोग दे सकते होंगे, हमें जरूरत नहीं. बोरॉन इसलिए जरूरी है बिकॉज इन फ्यूचर व्हेन यू विल बी इन क्लास 11th और 12th, टी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली डिटेल में है, वहां पर बोरॉन के कंपाउंड्स हैं, बोरॉन के 2 फॉर्म हैं, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस. बोरॉन का क्रिस्टलाइन फॉर्म इतना स्टेबल है कि रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है. अब आता है 14th ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. इसमें कौन कौन देता है, सबको पता है, चैप्टर की बात चल रही है. कार्बन देता है, जर्मेनियम देता है, टिन देता है, ये तीनों एलोट्रॉपी देते हैं, तीनों एलोट्रॉप्स बनाते हैं. सो हम एलिमेंटल स्टेटस पे बात कर रहे हैं दोस्तों, एलिमेंटल स्टेटस में आपको क्लियर कर रहा हूं कि कौन कौन फाउंडेशन.
detailed study of the topic. Okay? When I am talking about 15th group, nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth. यहाँ पे आपको जो सबसे फेमस पढ़ना है, और भी लोग दे सकते होंगे, पर सबसे फेमस जो आपको पढ़ना है, that is of phosphorus. A lot of phosphorus. Now, 16th group, oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं आप इसको वापस से मैं इसको लाइव टेलीकास्ट के साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड करके आपको दूंगा. आप ध्यान से सुनना, जहां पर जिस एलिमेंट पर आपको प्रोनाउंसिएशन में उसके नाम में प्रॉब्लम आ रही हो, प्लीज उसको पॉज कर करके देखते जाना बेटा. तो ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, यहां पर दो लोग हैं जो एलोट्रॉपी शो करते हैं, ऑक्सीजन एंड सल्फर. सो दिस इज एलिमेंटल लेवल एलोट्रॉपी. अगर आपसे कोई आज के बाद पूछे कि कौन कौन है जो एलोट्रॉपी दे सकते हैं, वो मैंने आपको सर्कल करके दे दिए हैं. दिस इज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस. ठीक है मेरे बच्चों, कोई भी किसी भी वीडियो लेक्चर में आप ऐसा अगर पाते हैं तो ही आप कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं. So, this is the elemental level. So, first keyword kya tha? It arises from Greek word which means another mode. ठीक है? Second is allotropy occurs at elemental level. और उस elemental level में कौन-कौन से groups आपके पास हैं और कौन-कौन से groups के कौन-कौन से specific elements आपको allotropy show करने हैं, वो मैंने आपको बता दिया. जल्दी से उतारिए दोस्तों. After knowing two keywords, number one, the Greek meaning of allotropy, and number two was allotropy occurs at elemental level. पर elements कौन-कौन से थे जिनमें allotropy देखी, वो clear हो गया. अब सुनना, जो आपको JE level तक में काम आता है, NIC level तक में काम आता है, NTSC में काम आता है, वो देखिएगा. सबसे पहला है allotropes of carbon. Allotropes of carbon. सेकेंड है एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन. थर्ड है एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस. और फोर्थ है एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर. ध्यान से सुनना दोस्तों, अब कार्बन के एलोट्रॉप्स क्यों हैं? मैं कॉज लिख रहा हूं, कॉज ऑफ एलोट्रॉपी. हाँ जी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, जो हमें एक मिसकंसेप्शन होता है कि एलोट्रॉपी की जो बेसिक डेफिनेशन आपको दी जाती है, एलोट्रॉप्स आर दोज एलिमेंट्स विच आर कंटेनिंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. हमें ऐसा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सिखाया जाता है. हम इससे एक लेवल आगे की बात कर रहे हैं. एलोट्रॉपी हमेशा सिर्फ एक ही कारण से नहीं होती. एलोट्रॉपी का सिर्फ एक रीजन ये नहीं है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो. अब सुनना, कार्बन में एलोट्रॉपी क्यों होती है? ड्यू टू क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स. अब आपसे कोई अगर ये पूछता है कि कार्बन एलोट्रॉपी क्यों शो करता है, तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि उसके अंदर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स अलग अलग हैं. ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेवल में. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन. अच्छा, इसके एलोट्रॉप्स क्या है, दो मिनट बाद बात करते हैं इंडिविजुअली. पूरा चैप्टर में आपको सिर्फ यही पढ़ना है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ अबाउट एवरीवन. ऑक्सीजन के अंदर एलोट्रॉप्स क्यों है? ड्यू टू नंबर ऑफ एटम्स इन रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स. इसको यही समझा देता हूं, कार्बन तो डिटेल में पढ़ना है, इसको समझा देता हूं बेटा. नंबर ऑफ एटम्स, अगर मैं आपसे पूछूं तो O2 में कितने हैं, आप बोलोगे सर 2. अगर मैं आपसे ओजोन में पूछूं तो आप कितने बोलोगे? 3. ऑक्सीजन डायटॉमिक है, ओजोन ट्राइटॉमिक है, ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं. यस, ये बात ध्यान रखिएगा. ऑक्सीजन एंड ओजोन आर टू एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. डायटॉमिक ऑक्सीजन, ट्राइटॉमिक ऑक्सीजन. डायटॉमिक ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस, ट्राइटॉमिक ऑक्सीजन ओजोन. अच्छा, बहुत अच्छे से जान
ओजोन क्या है, ठीक है। अब बात ये हो गई कि ऑक्सीजन के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स मिले वो क्यों मिले, ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ एटम्स। यहां क्यों मिले, ड्यू टू डिफरेंस इन क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। अब आते हैं फॉस्फोरस पे। फॉस्फोरस के अंदर जो आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो ड्यू टू लिंकेज है, ड्यू टू लिंकेज ऑफ P4 मॉलिक्यूल। आपको भी डिटेल में बताऊंगा सब चीजें कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है P4। हाँ जी, फास्फोरस कभी भी P फॉर्म में नहीं होता, फास्फोरस हमेशा P4 फॉर्म में होता है। और उसका सिंगल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखना बेटा, 1, 2, 3, 4 कितने फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स में एटम्स हैं, एक फास्फोरस के मॉलिक्यूल में कितने फास्फोरस एटम्स हैं, 4। एंड ऑल 4 आर अरेंज्ड इन दिस वे, ऑल 4 आर अरेंज्ड इन दिस वे। इसको बोलते हैं फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल, P4 मॉलिक्यूल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4 मॉलिक्यूल। इसके इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन्स बड़े सिंपल हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स के नाम बताओ, तो मेन इलेक्ट्रॉन्स बता रहा हूं आपको, वाइट फास्फोरस, जिसको थोड़ी देर अगर आप ओपन एयर में रखें तो इट टर्न्स टू येलो, सो वाइट इज ऑल्सो नोन एज येलो फॉस्फोरस। सेकेंड इज रेड फॉस्फोरस एंड थर्ड इज ब्लैक फॉस्फोरस। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ फॉस्फोरिक इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 1 वाइट फॉस्फोरस विच ऑन कीपिंग इन एयर फॉर सम टाइम टर्न्स टू येलो, सेकेंड इज रेड एंड थर्ड इज ब्लैक। अब बात आती है इनके स्ट्रक्चर्स की, तो 2 मिनट में आपको सिखा देता हूं, बिल्कुल भी टफ नहीं है, मजा लीजिए। अगर ऐसे सिंपल फास्फोरस के एटम्स सिंगल मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहे तो उसको बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस, द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस, पॉइजनस फॉर्म ऑफ फास्फोरस, ठीक है, हाईली रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस, पॉइजनस फॉर्म ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस गिव्स गार्लिक स्मेल, this kind of phosphorus gives garlic smell, ठीक है। आपको छोटी छोटी चीजें ब्रीफ कर रहा हूं बेटा, थोड़ा डिटेल में ले जा रहा हूं। अब आइए रेड फॉस्फोरस पे, ध्यान से देखना रेड फॉस्फोरस कैसे काम करता है। ये आपका रेड फॉस्फोरस में ये चार जगह क्या लगे हुए बेटा, सबको पता है P, सिर्फ ये लिंकेज है, ये क्रॉस वाली लिंकेज चली गई, क्यों, ऐसे इधर भी और ऐसे इधर भी क्या जुड़ते चले जाएंगे, फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल्स क्या जुड़ते चले जाएंगे, फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स। सो अब उन्हें लिंकेज की उतनी जरूरत नहीं है, डबल लिंकेज की जितनी दूसरों में थी। ये जुड़ गए यहां पर, ये जुड़ गए यहां पर। अब आप इसको कौन सा स्ट्रक्चर बोलोगे, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल्स। ये जो लीनियर अरेंजमेंट है इट गिव्स यू रेड फास्फोरस, इट गिव्स यू रेड फास्फोरस। For your conveniency, I am just hearing every phosphorus atom has to form 3 bonds. Every phosphorus atom has to form how many bonds? 3 bonds. देख लेना, कैसे भी करके 3 bond तो बनी रहे होंगे। आराम से चेक करना, आपका अपना फंडा है, नहीं है बेटा तो मुझे मैसेज करना, मुझसे डिटेल पूछना, कमेंट करना, आई विल हेल्प यू, ठीक है। अब आते हैं ब्लैक फॉस्फोरस पे, ब्लैक फॉस्फोरस देखना बेटा। ब्लैक फास्फोरस मतलब अब आपका लेयर स्ट्रक्चर बनने लग जाएगा, यहां से ये जुड़ गया, 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 इधर से ये जुड़ गया, इधर ये हो गया। नेक्स्ट कितने बॉन्ड चाहिए, 3, ये इधर जुड़ गया, 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 ऐसे एक्सपांड होते चले जाएंगे, ऐसे फैलते चले जाएंगे। सो ये हो गया आपका ब्लैक फास्फोरस। सो फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिले, 3 इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस के क्लियर है, फास्फोरस के 3 इलेक्ट्रॉन्स के पीछे का लॉजिक है ड्यू टू लिंकेज। हर फास्फोरस के कितने बॉन्ड बनना चाहिए, हर फास्फोरस एटम के 3, आप देख लो हर केस में बन रहे होंगे, ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करिए कि व्हाट इज द कॉज ऑफ, सर आपकी आवाज आना बंद हो गई, ध्यान से समझना बच्चों, व्हाट इज द कॉज ऑफ एलोट्रॉपी ऑफ सल्फर। तो पहले सल्फर का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना। अगर मुझे कोई कहता है S8, सल्फर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है S8, इट हैज क्राउन स्ट्रक्चर, क्राउन, ठीक है, कितने सल्फर के एटम्स अरेंज करना है, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. This is crown structure or puckered structure. This is crown structure or puckered structure of sulfur. ठीक है, अब सुनना, अगर आप बना चुके हो तो कॉपी पेन बंद कर दो, 2 मिनट का टाइम दे दो, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। ये पहला सल्फर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा सल्फर का मॉलिक्यूल, ये तीसरा सल्फर का मॉलिक्यूल, ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स विल अरेंज, पर आप देख रहे होंगे पैटर्न सेम है। अगला देखो, ये पहला सल्फर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा सल्फर का मॉलिक्यूल, ये नेक्स्ट सल्फर का मॉलिक्यूल और ये नेक्स्ट सल्फर का मॉलिक्यूल। अब आप बताओ दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, अरेंजमेंट का डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है सर, दिख रहा है। इसको, इस वाले टाइप को बोलते हैं रॉम्बिक सल्फर। व्हाट यू कॉल इट? रॉम्बिक सल्फर। और दिस इज नोन एज मोनोक्लिनिक सल्फर। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एलोट्रॉप्स, अदर सल्फर के एलोट्रॉप्स, वन इज रॉम्बिक सल्फर, अदर इज मोनोक्लिनिक सल्फर। ध्यान से सुनना, ये जो रॉम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर है ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, एंड दैट इज 96 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लीज रुक जाना, अभी लिखना नहीं, अभी लिखना नहीं दोस्तों, सुनना। 96 डिग्री के पहले कौन रहेगा? रॉम्बिक। अगर 96 डिग्री टेम्परेचर क्रॉस कर गया तो ये अपने आप से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? मोनोक्लिनिक। सो 96 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलते हैं बेटा, ध्यान से सुनना, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे ट्रांजिशन हुआ है। दिस इज नोन एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। अभी लिख तो नहीं रहे हो, एक्सप्लेन करूं और कर लू एक्सप्लेन? लिख तो नहीं रहे हो? नो सर। समझो, अब आप मुझे बताओ सल्फर के एलोट्रॉप्स क्यों अराइज हुए? ड्यू टू मॉलिक्यूलर डिफरेंस, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट में डिफरेंस के कारण सल्फर के एलोट्रॉप्स अराइज हुए हैं। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ एलोट्रॉपी ऑफ सल्फर? सिंपल सा पढ़ना है, ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जब आप इसको, कुछ अच्छे बच्चे होते हैं जब इसको गूगल करते हैं या ढूंढते हैं तो आपको रॉम्बिक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा बेटा, रॉम्बिक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलने वाला है आपको। ठीक है, रॉम्बिक का स्ट्रक्चर ऐसा बनने वाला है, एक ग्लास नीचे से एक और ग्लास, एक ग्लास और उसके ऊपर दूसरा ग्लास, दैट इज रॉम्बिक। और ऐसा स्टिक जैसा लॉन्ग स्ट्रक्चर, ऐसा स्टिक जैसा लॉन्ग स्ट्रक्चर जो दिखेगा, दैट इज मोनोक्लिनिक। जब आप गूगल करेंगे, कुछ बच्चे हैं जो करते हैं, तो ऐसा दिखेगा, पर उसको मैंने सिंपलेस्ट वे में आपको बना के दिया है। ऑल द मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन द सिमिलर मैनर, रॉम्बिक, एक अप एक डाउन, एक अप एक डाउन, दैट इज मोनोक्लिनिक। और ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना है? 96 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइन, जल्दी से उतारिए इसको। डायमंड का स्ट्रक्चर बताइए, प्लीज ध्यान से देखना, लिखने की जल्दी मत करना, अभी सिर्फ आपको बोर्ड लेवल पे सिखा रहा हूं, डिटेल बाकी है। कार्बन में डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है फास्फोरस के P4 का स्ट्रक्चर, सल्फर के एसेट का स्ट्रक्चर और ओजोन के O3 का स्ट्रक्चर, अगर कोई कहता है तो ध्यान से समझना, फास्फोरस डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ओवरऑल कितने कार्बन हो गए? एक कार्बन के अराउंड 4 कार्बन। ऐसे स्ट्रक्चर को बना करके आप छोड़ सकते हैं और कह सकते हैं दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। डिटेल, बहुत डिटेल बाकी है मेरे दोस्तों, अभी सिखाऊंगा जस्ट इसके बाद, अभी पहले स्कूल लेवल का काम खत्म करते हैं फिर नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेफाइट। अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट में
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए मैं हेक्सागोनल रिंग्स बना रहा हूं मेरे बच्चों, ये हेक्सागोनल रिंग्स बनती जा रही है, हेक्सागोन बनता जा रहा है। ये जो हेक्सागोनल अरेंजमेंट है इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड्स आएंगे, अल्टरनेट पोजीशंस पर क्या आएंगे, डबल बॉन्ड्स आएंगे। सो नाउ यू कैन से कि हमारा ग्रेफाइट जो है वो है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आज के बाद कोई आपसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पूछे तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए सारे दोस्तों। अब बात आता है P4। बिल्कुल अभी सीखा सर क्या था, ऑल द कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। इस टेट्राहेड्रॉन के देखो ये और ये स्ट्रक्चर सेम है, उस टेट्राहेड्रॉन के कॉर्नर्स पर क्या लगा दिया, फॉस्फोरस, ठीक है। सल्फर का S8 स्ट्रक्चर अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, क्राउन स्ट्रक्चर और पकड़ स्ट्रक्चर, S S S S, यहां पर सब जगह सल्फर का एटम लगा दिया। इज इट ओके टू एवरीवन? नाउ ओजोन, ओजोन ध्यान से लिखना मेरे बच्चों, O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। अगर सर ये बॉन्ड इधर और ये इधर नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है बच्चे, ध्यान से देखना, ये सिमिलर स्ट्रक्चर नीचे बना रहा हूं, O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। जब भी आपसे ओजोन का स्ट्रक्चर पूछे तो आप ये भी बना सकते हो और ये भी बना सकते हो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, सल्फर, फॉस्फोरस, डायमंड एंड ग्रेफाइट। सर बहुत डर आ रहा है, टेबल पे चलते हैं। सो आफ्टर नोइंग एलोट्रॉपी क्या सीखा इन जनरल, फर्स्ट कॉज ऑफ एलोट्रॉपी ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ क्रिस्टल्स, ये पहला कारण हुआ था। दूसरा कारण क्या था, ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन वाला केस था। थर्ड ड्यू टू मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, ड्यू टू मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। अब फोर्थ केस सुनिए, फोर्थ केस सुनिए, स्पेशल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस। ये जो फोर्थ केस है स्पेशल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, इसको समझना। अगर मैं ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आई एम लुकिंग फॉर एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर बोथ। अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ग्रेफाइट मे कन्वर्ट इनटू डायमंड, पर वो कंडीशन इतनी महंगी पड़ती है, इतनी महंगी पड़ती है कि कोई भी ग्रेफाइट से डायमंड नहीं बनाना चाहता, ठीक है। वरना हर कोई ये सोचे सर ग्रेफाइट मिल जाएगा, मेरे घर में एक पेंसिल है, हम सबको बताते हैं बचपन से कि पेंसिल की जो लीड है उसके अंदर ग्रेफाइट है, सब चालू हो जाएंगे, तो पेंसिल की लीड से सबके सब डायमंड लगाने जाएंगे, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दैट इज लाइक वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस, वेरी एक्सट्रीम। तो जब बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस की बात होगी तो आप उसके अंदर मान के चलते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं, जितने का डायमंड नहीं बनेगा उतने का पैसा लग जाएगा, फाइन। सो दिस इज दीज आर द मुद्दे पे आ गए हम। अब हम आ गए हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, हम मुद्दे पे आ चुके हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पे आ चुके हैं। दो फॉर्म हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के, एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ एलोट्रॉप्स और एक है एमॉर्फस फॉर्म, ठीक है। अगर मैं 10th क्लास के बच्चे को, अगर मैं 10th क्लास के बच्चे को क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में डिफरेंस सिखा दूं तो मुझे सिर्फ एक लाइन कहना चाहिए, सिस्टेमैटिक एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अगर सिस्टेमैटिक और रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगा तो क्रिस्टलाइन फॉर्म, इररेगुलर
अरेंजमेंट ऑफ एटम, तो एमोर्फस। तो आज के बाद कोई आपसे इतना पूछ ले, बाकी डिटेल्स अब हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमोर्फस फॉर्म आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के दो टाइप होते हैं। सॉलिड स्टेट में दो तरीके से कोई भी सॉलिड रह सकता है, एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक है एमोर्फस फॉर्म। टेंथ फॉलो के लिए सीखने के लिए इतना अच्छा है कि NaCl, NaCl जो है वो क्रिस्टलाइन है और हमारा जो ग्लास है वो एमोर्फस है, बस इतना सीख लो इस एग्जांपल से। आप क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमोर्फस फॉर्म, अब हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्लासिफाई करेंगे। ध्यान से सुनना, सारे क्वेश्चन इधर से ही आने वाले हैं, इधर से ही सारे क्वेश्चन इधर से ही आने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में पढ़ना, खूब आने वाले हैं। द फर्स्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज डायमंड। सेकंड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज फ्यूलरेन। फ्यूलरेन, ठीक है। तो यदि कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सो मेनी एमोर्फस फॉर्म, ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, बहुत सारे एमोर्फस फॉर्म हैं, आपको तो सिर्फ कुछ ही देखना है। वन इज कोल, अदर इज चारकोल एंड थर्ड इज कोक। ये तीन फॉर्म आपको ध्यान रखना है, कोल, चारकोल और कोक। चारकोल में भी दो, एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल और ब्लड चारकोल, ये दो आपको पढ़ना है। चारकोल के अंदर पढ़ना है मतलब सिर्फ नाम याद रखना है, कोल के दो कंपोनेंट याद रखना है आपको। कोल के दो कंपोनेंट कौन कौन से, एक है कोलतार, एक है कोलतार एंड सेकंड इज कोल गैस, सेकंड इज कोल गैस। अब आप देखिए यहां पर हम पूरा एक चार्ट कंप्लीट कर चुके हैं अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कंप्लीट करने के बाद अब हमें एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ना है। इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है, इसमें से एनटीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको एक मजेदार क्वेश्चन अभी बता दूं, वन ऑफ द टाइप ऑफ फ्लोरीन इज C60, उसमें कितनी 5 मेंबर रिंग है और कितनी 6 मेंबर रिंग है, दैट वॉज द क्वेश्चन, दैट वॉज द क्वेश्चन इन एनटीएससी। तो अगर लेवल के साथ पढ़ना है तो ही मजा आएगा दोस्तों, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जल्दी से उठा लीजिए, क्या करते हैं। द फर्स्ट क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, और बड़ा फेमस यूजेस सबको पता है, पॉइंट सबको पता है, अब हमें इसकी प्रॉपर्टीज पे काम करना है, डायमंड पे आने वाले रीजनिंग क्वेश्चंस पे बात करनी है। सबसे पहले डायमंड किससे बना होता है, सो मेटअप ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले ये क्लियर कर लो, डायमंड इज मेटअप ऑफ कार्बन एटम्स, बेसिक से एडवांस में जाएंगे बच्चों। नंबर टू इंपॉर्टेंट बात, डायमंड इज एन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, रेगुलर अरेंजमेंट, दैट्स व्हाई इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो नंबर थ्री, 3D जायंट स्ट्रक्चर, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत छोटे छोटे बेसिक सिखा रहा हूं पर ये सारे कीवर्ड्स काम आएंगे मेरे बच्चों। तो अब अगर हमको ये क्लियर हो गया कि हमारा डायमंड जो है वो सिर्फ कार्बन का बना हुआ है, मतलब सिर्फ कार्बन एटम्स लगे हुए हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है और लॉन्ग रेंज में अरेंज्ड है, तो 3D जायंट स्ट्रक्चर है। जायंट स्ट्रक्चर का मतलब है, 3D स्ट्रक्चर का मतलब है ये नॉन प्लेनर है,
मतलब अगर मैं आपके सामने एक सिंपल सा एग्जांपल रखूं तो ये बोर्ड अभी एक प्लेन है, ठीक है। बोर्ड के इधर भी चीजें बढ़े और बोर्ड के पीछे भी चीजें बढ़ती जाए, उसको बोलते हैं 3D ज्योमेट्री। मतलब अगर मैं जो स्ट्रक्चर आपके सामने रखूंगा उस स्ट्रक्चर को आपको ऐसे इमेजिन करना है कि वो कार्बन आपकी तरफ भी बढ़ रहे हैं, बोर्ड के पीछे भी बढ़ रहे हैं। दिस इज द 3D ज्योमेट्री कंसेप्ट, ठीक है। नंबर फोर, हाउ मेनी कार्बन एटम्स या हाउ मेनी बॉन्ड्स फॉर्म बाय ईच कार्बन, ठीक है। तो काम की बात है, ईच कार्बन इज बाउंडेड विथ फोर अदर कार्बन एटम्स। कितने और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है? फोर। नेक्स्ट पॉइंट, यहीं से ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। हम सब जानते हैं कि हमारा कार्बन है एटॉमिक नंबर 6, 2.4, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बताने का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर नहीं पढ़ा तो मेरे वर्ड सुनिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने डॉट। ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड। सो यहां से आप देखिए, क्या हमारे कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन फ्री बचा? नहीं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, यस। ऑल द कार्बन एटम्स आर सराउंडेड बाय फोर अदर कार्बन एटम्स, मतलब टाइटली पैक। तो यहां से मैं कंक्लूड कर रहा हूं, नंबर वन, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, ये मेरी पहली प्रॉपर्टी हो गई ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। दूसरी बात, काम की बात, सेकेंड प्रॉपर्टी, कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड हैं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे डायमंड के अंदर। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कंडक्शन कौन करेगा? इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट ही नहीं होगी। सो डायमंड इज एन इंसुलेटर, डायमंड एक इंसुलेटर है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में, बोर्ड में, स्कूल एग्जाम में, हाफ ईयरली में, जब भी आएगा, प्री बोर्ड में बहुत बार आएगा। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस। डायमंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस। रीजन आपके सामने है, कैसे लिखोगे? ऑल फोर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉम्पैक्टली बाउंडेड विद अदर फोर कार्बन एटम्स, सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल सा फंडा आया। सो इंसुलेटर है, देन इतना कॉम्पैक्ट और इतना डेंस अरेंजमेंट है कि इट्स डेंसिटी इज हाई एंड डेंसिटी इज 3.5। इसकी रिलेटिव डेंसिटी 3.5 है। क्या हुआ बेटा? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट पॉइंट नंबर 6, मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे ग्रेफाइट के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है जिसके अंदर, ध्यान से सुनना, मैंने बोला था ये नॉन प्लेनर है। अगर ये नॉन प्लेनर है मेरे दोस्तों, तो सीधा सा मतलब है कुछ ऐसे बॉन्ड्स होंगे जो आपकी तरफ होंगे या आपसे दूर होंगे, या तो आपकी तरफ होंगे या आपसे दूर होंगे। ध्यान से सुनना, ऐसा कभी मैं बना दूं किसी बॉन्ड पर, ऐसा ये जो मैंने बनाया है, ऐसा अगर मैं आज के बाद किसी बॉन्ड पर बना दूं तो बेटा उसको बोलते हैं वेज बॉन्ड। वेज मतलब टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की तरफ है, मतलब बोर्ड से बाहर है, दिस इज आउट ऑफ बोर्ड, ठीक है। दूसरा देखिए बेटा, दिस इज सेकेंड, दिस इज डैश बॉन्ड, ठीक है। डैश बॉन्ड के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो डैश बॉन्ड क्या कहता है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, कहां है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब जरा ध्यान से सुनना, जो मेरे दोस्त बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, जिस टेबल पर आप बैठे हैं
आई कैन इजीली अंडरस्टैंड कि अगर मैं डस्टर को आपकी कॉपी मान लू, अगर मैं इस डस्टर को आपकी कॉपी मान लू तो ये हो गया प्लेन। इस पे दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसके ऊपर है और एक बॉन्ड इसके नीचे। दिस इज वेज, दिस इज डैश। क्यों? ऊपर से देख रहे हो ना, ऊपर से देख रहे हो ना। जब ऊपर से देख रहे हो तो दिस इज टूवर्ड्स यू, तो ये हो गया वेज। एंड नीचे की तरफ जो जा रहा है वो आपसे दूर है, दैट इज डैश। दिस इज वेज एंड डैश बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं वेज एंड डैश कॉन्फिगरेशन, ठीक है ना। इसको प्रोजेक्शंस बोलते हैं बेटा, प्रोजेक्शंस। अब हमारे पास 3D की तो लिमिट है, तो इन्हें बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो ये कौन सा प्रोजेक्शन है? वेज एंड डैश प्रोजेक्शन, वेज एंड डैश प्रोजेक्शन। ये सिर्फ इसलिए सिखाया कि जो लोग बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं कि टेट्राहेड्रल में नॉन प्लेनर कैसे होता है, तो उनके लिए है मेरे दोस्तों, कि जो आपकी तरफ हो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना, जो आपसे दूर हो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करना। अब सुनो, हमारे इस केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे डायमंड के केस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि हमारे डायमंड में तो सब कुछ कार्बन 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 जुड़ा हुआ है, मतलब सेम प्लेन में भी कार्बन, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर भी कार्बन, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर भी कार्बन। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। अब ध्यान से सुनो, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये सी और सी के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इट्स ऑफ 154 आर्मस्ट्रॉन्ग। जिनको याद रखना हो अच्छी बात है, नहीं याद कर पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। 154 आर्मस्ट्रॉन्ग की बॉन्ड लेंथ है, और ये जो दो कार्बन के बीच का एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। मतलब मैंने आपको इतनी डिटेल सिखा दी है मेरे बच्चों कि अब आप सब कुछ जानते हो अबाउट द डायमंड। एक चीज और मन नहीं मान रहा है, एक और बात बता देता हूं। इस सी के पास कितने लोग हैं? 1 2 3 4, चार लोग हैं, तो एक एस और तीन पी, ये हो गए टोटल चार। अभी ये मत पूछना सर ये कैसे आया, बिल्कुल सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल सिखाऊंगा। इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे किसी ने पूछा तो आज के बाद आपको बोलना है sp3। शेप पूछा, शेप बोलो जल्दी से, सबको पता है शेप क्या है? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड लेंथ कितनी है? सी और सी के बीच का बॉन्ड है उसकी लेंथ कितनी है? 154। सी और सी के बीच का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। इतना कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मोर देन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। आज की कहानी यही रोक रहा हूं। फॉर ग्रेफाइट एंड फ्यूरेन, प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर।